हाय गाइस, इट्स मी शिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो चलो दिन की स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुकिंग से। उससे पहले थोड़ा फेवरेट सा सॉन्ग बजा लेते हैं सो दैट कि मूड अच्छा हो जाए। टुडेज मील आई एम कुकिंग राजमा चावल विद सम फ्रेंच फ्राइज। एंड लगे हाथों मैं मम्मी से भी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल कर लिया है जो कि ओवरनाइट सोक्ड थे ऑलरेडी। फ्रेंच फ्राइज मैं ना कुछ इस टाइप से बनाती हूँ, मैं आपको शेयर भी करते रहूँगी। लाइक पोटैटोज को ना ऐसे साइड से कट कर लेने से बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर रेक्टेंगल जैसा होता है वैसा आ जाता है, देख लो ऐसे। तो अगर बड़े पोटैटोज है तो बहुत अच्छे फ्राइज बनते हैं और भी ज़्यादा। सो थोड़ा ऑयल डाल के इन्हें मैं 50% बॉयल करती हूँ एंड फिर 50% जब मैं फ्राई करती हूँ तो हो जाता है। तो ऑलरेडी हमारे राजमा जो है वो बॉयल हो चुके हैं एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसका मसाला। तो वो अलग से बना के फिर मैं उसमें सीटी डाल दूंगी। तो देखो कुछ इस टाइप से मसाले, हींग, जीरा, एवरीथिंग डाल के उसका एक अच्छे से जैसे ग्रेवी बोलते हैं ना वो कर लूँगी। इसको पहले ही थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब सारे मसाले जो भी हैं आपके घर में ऐसे डाल लो, कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं है इसमें, जो जो लगता है नॉर्मली हर सब्ज़ी में वही है। ऐसे ही मैं बनाती हूँ। बाकी थोड़ा सा पानी डाल लूँगी सो दैट कि टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाए। सॉल्ट डाल के इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। एंड फिर पोटैटोज को निकाल लिया। अब बताना कि ऐसे कुकिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं, बिकॉज मैं अपने लिए जो भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं सोची कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन, लाइक बैचलर हो, अकेले रहते हो एंड घर का खाने का मन है तो आप ऐसे बना सकते हो। तो थोड़ी देर में ग्रेवी जो है कुछ इस कंसिस्टेंसी की आ जाएगी। एंड ये हमारा बॉयल्ड राजमा है तो राजमा से थोड़ा जो पानी है जो कलर छूटता है उसके बाद राजमा थोड़ा इस टाइप से दिखता है, बाकी सब कुछ बहुत ही क्लीन है। फिर जो बॉयल्ड जो थे लाइक फ्रेंच फ्राइज उसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से कोटिंग करके एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। राजमा भी हमारा बन चुका है एंड राइस मैंने ऑलरेडी राइस कुकर में चढ़ा दिया था पहले ही। कुछ इस टाइप से देखो, इसमें कोरिएंडर एंड कस्तूरी मेथी डाल के मैंने इसे गार्निश कर दिया एंड इट्स सो सो डिलीशियस, बहुत ज़्यादा ही। आप ऊपर से थोड़ा घी डाल सकते हो, तो मैंने ना राइस में ही थोड़ा सा घी मिला दिया था एंड इट वाज टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। तो उससे पहले मैंने कान्हा को भोग लगाया यहाँ पे, उनके लिए भी राजमा चावल। तो चलो भोग तो यहाँ पे लग चुका है, अचार भी डाल दिया है क्योंकि मुझे राजमा चावल के साथ अचार बहुत पसंद है तो कान्हा को भी पसंद आएगा। तो भाई अचार नहीं खाता है तो उसको पहले मैंने खाना दे दिया। उल्टा चश्मा देखते देखते हमने खाना इंजॉय करा। बिहाइंड द सीन्स ऑफ शूट्स आर सो लाइक रिलैक्सिंग टू वॉच। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लोगों के भी बिहाइंड द सीन्स देखना। तो कुछ इस तरीके से ना शूट होता है, देख लो। तो अभी आजकल मैं इसी बैकग्राउंड में अपने सारे वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मेरे पास पर्पल का कोलैब आया। आई एम सो हैप्पी, सो सो हैप्पी। तो बहुत ही हैप्पी हैप्पी मूड में मैंने शूट करा, कुछ इस टाइप से गेट रेडी विथ मी था। एंड हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स का भी लाइक जो सिंगल शॉट होता है ना वो भी ले लिया कुछ इस तरीके से। आप इस व्लॉग में देखो आपको कुछ भी बहुत कुछ नया नया जानने को मिलेगा। एंड हाँ, कुछ एक एक्साइटिंग चीज़ भी है जो बिल्कुल एंड में है तो एंड तक देखना। फिर ये अमेज़ॉन की 2-3 कुर्तीज़ भी मैंने ना ट्राई ऑन करके शॉर्ट्स बना लिया था, मतलब सारे नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, देखो सुबह लाइक उसके एक दिन बाद एकादशी था और उसके बाद वाले दिन मुझे जाना था मल्लेश्वरम मार्केट का वीडियो शूट करने। तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ढाबा नाम से रिजॉर्ट के अंदर। नाइफ तो है नहीं, काटे करती। तो वहाँ पे जाते मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए ना कोई तो चाहिए होता है। तो पहले हमने ट्राई करा गोल्डन बेबी कॉर्न फ्राई, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फीका था टेस्ट में, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ भी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था अदर देन बेबी कॉर्न। बस फिर मैं हाथ से ही खाने लग गई। उसके बाद हमने ऑर्डर करा था ये
नान, बटर नान एंड फिर जीरा आलू एंड दाल मखनी। तो वेज, यहाँ पे नॉन वेज का भी ऑप्शन था बट डेफिनेटली मुझे वेज खाना था, तो वी वेंट फॉर दिस वेज थिंग एंड इसमें कोई भी ऑनियन वगैरह कुछ भी नहीं था। सो इट वाज़ वेरी वेरी फिलिंग एंड पेट एकदम भर सा गया था। मैं सोच रही थी कि कैसे खाऊं एंड फिर मार्केट कैसे जाऊं, बट चलो जैसे तैसे पहुँच गए एंड वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी करी। बैंगलोर से हो तो डेफ़िनेटली वीडियो मिस मत करना, इससे पहले अपलोड करी हुई है। फिर शाम में चले गए, मतलब शाम होती हो गई थी आते आते, 5 o'clock से मेरा भगवद गीता का क्लास था तो जल्दी जल्दी जा रहे थे एंड देखो कितना हिल रहा है, लाइक हाईवे में भी ऐसा गाड़ी हिलने लगा। जब भी मैं शूट करती हूँ तभी होता है ऐसा। बस घर आई, फटाफट से 1 मिनट के अंदर चेंज करी और भागी मैं वहाँ से, क्योंकि मुझे क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता है एंड मैं लेट भी नहीं हुई थी, चलो लकीली। तो हम लोग ही सबसे पहले पहुंच गए थे, तो ऑटो से जाती हूँ। देखो ये दिन मतलब पूरे वीक का एक ऐसा दिन होता है जिसमें ऐसे क्लास होते हैं एंड फिर सारा कुछ पता चलता है। नॉट मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्पिरिचुअल क्लास है या ऐसा कुछ, अपने लिए इतना अच्छा लगता है, लाइक सारे जो भी नेगेटिविटी है पूरे अपने अराउंड, लाइक फ्रेंड्स फैमिलीज कुछ भी बोलो, तो इस दिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना लगता है कि सारा कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। कभी इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँगी आपसे भी। पढ़ाई करके आया है, जो क्या अथॉरिटी है जिसके पास सर्टिफिकेट है वो बना लेगा। नेक्स्ट डे राधा अष्टमी था तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, लाइक डेकोरेशन एंड स्टाफ, तो यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगता है। घर आई फिर मैंने बर्तन वगैरह रखा क्योंकि पापा बर्तन धो देते हैं, बाकी तो सर रखना पड़ता है क्योंकि एक ही जगह पे ये सारे ना लाइक पाइल्ड अप हो जाते हैं। तो फिर खाने के लिए दोपहर में कुछ भी बचा नहीं था उस दिन, तो क्योंकि मैं बाहर खाना खा के आई थी एंड भाई का कॉलेज था तो वो भी खा के आया था। तो मैंने दाल बना लिया फटाफट से धनिया डाल के, लाइक धनिया हर चीज़ में मुझे पसंद है, तो पापा को दे दिया रोटी एंड ये सारी चीज़ें ना मैं कुछ शॉप करके लेके आई थी उधर से। उसके बाद मैंने डिनर खाया, रोटी और चिप्स के नहीं, रोटी और दाल ही खाया, चिप्स नहीं खाया, तो हाँ कुछ इस टाइप से खाया, अगेन उल्टा चश्मा देखते देखते ही खा लिया। फिर नेक्स्ट डे शूट करना था, इंदुलेखा का भी एक कोलैब था तो उसके लिए भी मतलब क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या लिखूँ, क्या क्या लाइक डील करने में हेल्प कर रहा है, वो सब मैंने लिख लिया 2 weeks इसे यूज़ करने के बाद। फिर मॉर्निंग में ना ऐसे लाइक कपड़े वपड़े समेटे एंड फिर रेडी वेडी होके हम चले गए राधा अष्टमी के फंक्शन में। शाम के सभी जो लड़के पैदा हुए मार के लाना है और जो लड़कियां पैदा हुए तो यहाँ पे चल रहा था एक स्किट लाइक राधा रानी के बारे में, लाइक कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो सबको पता है लेकिन राधा अष्टमी के बारे में पता चल रहा था। फिर हमने पुष्प अभिषेक भी करा। यूट्यूब का सैलरी भी तब तक आ गया था तो मैंने फटाफट से वहाँ पे मिठाई भी ले ली भगवान जी के लिए। दिस वॉज द क्यूटेस्ट पार्ट आई गेस। फिर हम प्रसाद लेने गए, फिर हमने प्रसाद पाया, बहुत ही यम्मी सा प्रसाद था। हरे कृष्णा बाबू नो ओके बस फिर बाकी सबसे बात करते करते वहाँ पे प्रसाद पा लिया। बट व्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, मैंने नेक्स्ट व्लॉग का कुछ टीज़र यहाँ पे डाल दिया है। आई एम नर्वस, मैंने जा रहे थे ऐसे शक्ल भी लगना चाहिए। उसका नेम है मनोज रेड्डी।